इसका जुम्मा यहाँ खड़ा किया गया, इसका मैं नायब सदर हूँ, सदर यहाँ के मास्टर असलम साहब हैं, नायब सदर मैं हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि असलम उस भाई साहब आज आए जो हमारे सुबह के सदर हैं, सुबह जम्मू के सदर हैं, वो आए, उन्होंने जुम्मा मुबारक यहाँ पढ़ाया है। और बाकी अम्बिया इकराम भी काफ़ी यहाँ आए थे और बड़े अच्छे तरीके से प्रोग्राम जो है वो चला है। हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें इतनी तौफीक दी कि यहाँ सैकड़ों के लोगों ने ये मस्जिद तामीर की और तमाम लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और आज यहाँ जुमा मुबारक कायम हो गया है। शुक्रिया। आज मैं मोहम्मद असलम मिसबाही जम्मू से, हाजी मोहम्मद असलम साहब सदर इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद पंजतन पाक सैकड़ों और मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब और दीगर इंतजामिया कमेटी के अरकान की दावत पर मैं यहाँ हाजिर हुआ। यहाँ आने का मकसद हमारा मस्जिद पंजतन पाक में इसकी तामीर और तरक्की मुकम्मल होने के बाद अब नमाज जुमा का आगाज़ करना था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ढंग से हमने यहाँ नमाज जुमा का आगाज़ कर दिया है और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अजीम जश्न भी आज यहाँ मुनाकिद हुआ। बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ़ लाए, सारे उलमाए किराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आफाकी पैगाम, अमन शांति वाला पैगाम और माशरे में किस तरह से ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी पैगाम है ये हमने लोगों तक पहुँचाया और हम आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे इस पैगाम को, अमन और शांति वाले पैगाम को आका कौनैन के जो भाईचारगी का उन्होंने दर्श दिया उसको लोगों तक पहुंचाते रहें। और आज यहाँ के इलाकाई उलमा के मशावरत से और इंतजामिया कमेटी के मशवरे से हज़रत मौलाना मोहम्मद आरिफ नईमी अशरफी को यहाँ का इमाम व खतीब मुकर्रर कर दिया गया है। हमें उम्मीद है कि वो अहसन अंदाज से आइंदा इमामत और खिताबत के फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। मैं इस मौके पर तमाम इंतजामिया कमेटी मस्जिद पंजतन पाक और इलाका सैकड़ों के तमाम उन लोगों को जो इस महफिल में शरीक हुए या जो शरीक ना हो सके, सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और सबके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक अपने हबीब की विलादत के सदक़े में सबको अमन आफियत अता फरमाए, बिलखसूस हमारे मुल्क से, हमारी रियासत से, बल्कि पूरी दुनिया से। अल्लाह पाक इस वबाई बीमारी कोरोना वायरस को दूर और दफा फरमाए और हमारे सब लोग हिंदुस्तान या दीगर ममालिक के लोग अमन सुकून और चैन के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।